सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अनिल वर्मा ने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनसाधारण को स्वयं भी जागरूक होना होगा, ताकि सरकार के समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के अभियान को गति मिल सके। अनिल वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष 2023 में जनवरी से दिसंबर तक सारा साल मुफ्त गेहूं व बाजरा दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी कार्ड धारक गेहूं व बाजरा जिस भी जिले में जारी किया गया है, कोई भी राशि डिपो धारक को न दें और चीनी के लिए पूर्व की भांति 13.50 रूपए प्रति किलो की दर से ही दें। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा पहले गेहूं के लिए 2 रूपए प्रति किलो व बाजरा 1 रूपए प्रति किलो की दर से कार्ड धारकों से लिए जा रहे थे। इस वर्ष ये राशि भी सरकार स्वयं वहन करेगी, जिसका सीधा लाभ राज्य की गरीब जनता को मिलेगा। अनिल वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा सरसों के तेल की राशि भी 250 रूपए से बढ़ाकर 300 रूपए प्रति कार्ड कर दी गई है। उन्होंने बताया यदि विभाग के पास किसी डिपो धारक की शिकायत आती है कि उसने मुफ्त राशन के लिए उपभोक्ता से पैसे लिए हैं, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले नियंत्रक सुरेंद्र सैनी के मार्गदर्शन में जिला कुरुक्षेत्र के सभी केंद्रों पर पीडीएस योजना के तहत प्रतिमाह सरकारी नियमानुसार उत्तम गुणवत्ता का राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिदिन कार्यालय में सैकड़ों लोगों की कार्ड कटने संबंधी समस्याओं का निदान भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कार्यालय में आने वाले उपभोक्ताओं को परिवार पहचान पत्र में संशोधन बारे जागरूक किया जा रहा है। इस दिशा में कार्य करने हेतु कुरुक्षेत्र केंद्र के पीडीएस इंचार्ज निरीक्षक प्रवीण कुमार, निरीक्षक रिंकू सुहाग, उप निरीक्षक शैलेंद्र अत्री को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि जनसाधारण की राशि कार्ड संबंधी समस्या का त्वरित राशन कार्ड संबंधी समस्या का त्वरित समाधान हो सके।